देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त चारा घोटाले मामले में जमानत पर चल रहे हैं। वहीं उनके जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो अर्जी है वो दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि जो अगली सुनवाई है वो इस मामले में जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर के बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब लालू प्रसाद यादव को वापस से जेल भेजना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ जो अर्जी है वो दायर की थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को अगर दोबारा से जेल भेजा जाएगा तो वो बड़ा मुश्किल होगा, यानी कि लालू प्रसाद यादव को दोबारा जेल भेजना काफी मुश्किल हो सकता है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, हम आपको पहले सब बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील से ये साफ तौर पर कहा है कि आपकी अगर बात मान लें तो उनको वापस जेल में डालना फिलहाल मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट की द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अगर आपके पक्ष में आदेश देते हैं तो उनको वापस अंदर करना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से पेश एडमिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट की सजा की व्याख्या को लेकर के एक छोटे से कानूनी सवाल को तय करना है। सीबीआई का कहना है कि हाई कोर्ट ने त्रुटिपूर्ण अनुमान के आधार पर यह मानकर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी है कि चारा घोटाला के अलग अलग केस की सजा एक साथ चलनी है, ना कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू करनी है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि हाई कोर्ट ने यह तय करने में गलती की है कि लालू यादव ने आधी सजा काट ली है। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को दी गई सजा एक के बाद एक चलनी थी, ना कि एक साथ और एक। इस हिसाब से लालू यादव को 14 साल जेल में रहना है। सीबीआई का ये कहना है कि जिस समय लालू यादव को जमानत मिली उन्होंने लगभग एक साल की ही सजा काटी थी। वहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की जल्दी सुनवाई की बेचैनी पर सवाल उठाया और कहा कि सीबीआई ने 14 महीने बाद अपील दाखिल की थी, अब हड़बड़ी दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि इनका एक ही मकसद है कि लालू यादव को फिर से जेल में डाल दिया जाए ताकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर ना रह सके। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। तो देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जो सुनवाई है वो चल रही थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये बड़ी टिप्पणी की गई है और ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ जो याचिका सीबीआई की तरफ से दायर की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई जो है वो जनवरी के अगले आखिरी हफ्ता में हो गई। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव को जेल दोबारा से भेजना काफी मुश्किल होगा। बहरहाल, अब देखने वाली बात होती है कि चारा घोटाला मामले में जो लालू प्रसाद यादव को लेकर के सीबीआई लगातार बड़ी एक्शन कर ले रही थी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो अब क्या कुछ जो फैसला है वो देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। पकड़े हैं पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।